Hey, welcome students to our channel Farmados. Myself Punjas. In this lecture, we will going to discuss about the unit 3 of pathophysiology. हमने first second unit कर लिए complete, ठीक है? Cardiovascular system complete हो चुका है हमारा. Respiratory system. Third unit में हम start करें hematological disease. Hematological disease कौन सी disease है? जो कि हमारे ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है. इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी डिजीज आती है जो कि हम ब्लड जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं हमारे, कि जैसे ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है ना, प्लेटलेट्स, इनके अंदर कोई भी डिफेक्ट आया, इनकी फॉर्मेशन हमारी ज़्यादा हुई, कम हुई, ठीक है. इनकी वजह से जो भी हमारी प्रॉब्लम आई वो क्या है, हमारे ब्लड डिसऑर्डर. आप लोगों ने HEP के अंदर पढ़ा होगा आपका सिस्टम, ब्लड सिस्टम हमारे, सॉरी HEP के अंदर आपके पास होगा ब्लड सिस्टम. उसके अंदर आपने ब्लड के बारे में नॉर्मली तो पढ़ चुके होंगे सब कुछ, कि RBC, WBC क्या कुछ है, उसके अंदर कैसे फॉर्मेशन हुई है ना, तो ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, ये सब आप लोग सब पढ़ चुके होंगे, ठीक है. तो मैं वो रिवाइज नहीं करवाने वाली आप लोगों को, तो आप लोग वो HEP से पढ़ लेना. हम स्टार्ट करें नॉर्मली क्या हमारी ब्लड की डिसऑर्डर्स क्या क्या है, ठीक है. अब देखो जो हमारा ब्लड है, एक मिनट मैं आप लोग को दिखा देती हूँ थोड़ा सा. जो हमारी हिमेटोपोइसिस और प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस है, ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस है ना. ब्लड सेलुलर एलिमेंट्स से जो बन रहे हैं हमारे ब्लड के, वो ब्लड फॉर्मेशन, ये कौन सी प्रोसेस है, हमारी हीमोपोइसिस प्रोसेस है. ये आप HEP में पढ़ चुके होंगे. ब्लड सेलर एलिमेंट्स WBC, RBC, सॉरी प्लेटलेट्स, मैक्रोफेजिस, ये सारे जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, ये कहाँ से डराइव हुए, हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल से, है ना. जो हेल्दी अडल्ट है उसके अंदर हमारे जो हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल है, ये क्या करती है, ये बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट है, और ये क्या करती है, हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल हमारी ब्लड सेलर कंपोनेंट्स को बनाती है ना. ये आप सब HEP के अंदर पढ़ चुके होंगे. अगर आप लोगों को फिर भी कन्फ्यूजन, तो मैं आपके लिए इस पर एक वीडियो लेक्चर बना दूंगी. अब देखो इसके अंदर हम थोड़ा सा देख लेते हैं. ये देखो ये क्या है हमारे पास, HSC हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल. इसके अंदर जो हमारी हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल है, इसको हमने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है, माइलोइड स्टेम सेल और लिम्फेड स्टेम सेल, ठीक है. जो हमारी माइलोइड स्टेम सेल है, ठीक है, एक है माइलोइड, बोन मैरो, ब्लड और बोन मैरो से रिलेट करेगी. लिम्फेटिक हमारी किस से रिलेट कर रही है, लिम्फेटिक स्टेम सेल से, ठीक है. यहाँ पे साइट का मतलब है मेच्योर सेल, ब्लास्ट का मतलब है इमेच्योर सेल, ठीक है. मेगा का मतलब है बड़ा, कार्डियो न्यूक्लियस, बिग लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है. अब देखो यहाँ पे जो माइलोइड स्टेम सेल है, एर्थ्रोब्लास्ट, ठीक है, सॉरी इसके अंदर एर्थ्रोब्लास्ट है. एर्थ्रोब्लास्ट क्या करती है, जो हमारी एर्थ्रोब्लास्ट, ब्लास्ट से अभी हमने क्या देखा, इमेच्योर सेल, जो एर्थ्रोब्लास्ट है ये क्या करती है, कन्वर्ट होती है एर्थ्रोसाइटिक RBC के अंदर. जो एर्थ्रोसाइटिक RBC है, ये क्या, साइट, साइट का मतलब क्या था, मेच्योर सेल. जो एर्थ्रोसाइट ब्लास्ट थी वो क्या बनाती है हमारी, फर्दर एर्थ्रोसाइट ब्लास्ट क्या बना रही है हमारा, एर्थ्रोसाइट RBC, एर्थ्रोपोइसिस प्रोसेस से फॉर्मेशन ऑफ RBC, ठीक है. दूसरा यहाँ पे क्या है, मैगा कैरियो ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब था इमेच्योर सेल, मैगा मतलब लार्ज, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, जिसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट हो. जो मैगा कैरियोसाइट है ये क्या कन्वर्ट कर रही है, थ्रोम्बोसाइट के अंदर थ्रोम्बोपोइसिस प्रोसेस से, मतलब ये प्लेटलेट्स फॉर्मेशन कर रही है. मोनोब्लास्ट कन्वर्टिंग टू मोनोसाइट सेल, माइलोब्लास्ट कन्वर्टिंग टू बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, WBC सेल्स, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे टी लिम्फोब्लास्ट है, ये टी लिम्फोब्लास्ट कन्वर्ट होगी टी लिम्फोसाइट में, बी लिम्फोब्लास्ट कन्वर्ट होगी बी लिम्फोसाइट सेल के अंदर. तो ये हमारी किसके लिए इन्वॉल्व है, टी सेल और बी सेल, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस सेल की फॉर्मेशन में,
ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हीमेटोलॉजिकल डिजीज को, ब्लड के डिसऑर्डर्स को, कि अगर हमारे ब्लड के अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी चीज़ में डिफरेंसेस आए नॉर्मल फंक्शनिंग में, तो हमें कौन सी डिजीज हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट है देखो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, हेरिडिटरी अक्वायर्ड एनीमिया, हीमोफीलिया, इसके अंदर हम क्या करते हैं हमारी हीमेटोलॉजिक डिजीज को हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। तो एनीमिया क्या है, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारी आरबीसी है, नंबर ऑफ आरबीसी है वो डिक्रीज होती है, देन रिडक्शन होती है नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ आरबीसी इन द ब्लड। एनीमिया के अंदर जो हमारी आरबीसी का नंबर है वो क्या होता है, नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है नॉर्मल लेवल से वो क्या हो जाता है कम हो जाता है। ठीक है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन कंपेयर टू नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड एज एनीमिया। ठीक है, जो मैन है, मैन के अंदर जो हीमोग्लोबिन है एच बी नॉर्मल वो कितना रहता है हमारा 13.5। देखो मैन के केस में अगर हम एच बी की बात करें तो नॉर्मली वो कितना है 13.5 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, फीमेल के केस में, वुमेन के केस में कितना रहता है एच बी 12 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, अब क्या है हमने क्लासिफाई किया है WHO के अकॉर्डिंग अनीमिया को माइल्ड में, मॉडरेट में और सीवियर में। जो माइल्ड है उसको कन्वर्ट किया, देखो लेवल ऑफ एच बी इसमें कितने रहता है हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल बिटवीन 10 mg/dL। ठीक है, मॉडरेट के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल बिटवीन 7 to 10 mg, सीवियर के अंदर लेस देन 7 mg। इट इज ए टाइप ऑफ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ डाइट्री आयरन इन द बॉडी। ये क्या बोल रहा है कि जो अनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, ये किस वजह से हुआ है, आयरन की जो डेफिशिएंसी है, डाइट्री सप्लीमेंट्स है जो आयरन की उसकी कमी की वजह से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एनीमिया है इसके अंदर क्या हुआ, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हुआ है, दूसरा आरबीसी की डेफिशिएंसी हुई है। ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन देयर इज डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। ठीक है, अब देखो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो आरबीसी सेल प्रोडक्शन कम हो गई है, डिक्रीज हुई है, या फिर आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया है ना। एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, या तो आरबीसी की प्रोडक्शन ही कम हो गई या आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया। ठीक है, दूसरा या आयरन स्टोर कम हो गया, हम आयरन सप्लीमेंट्स ही कम ले रहे हैं। ठीक है, इनटेक कम हो गया आयरन का। ठीक है, दूसरा उसका जो आयरन का लॉस है वो ज़्यादा हो गया, उसकी डिमांड है आयरन की वो ज़्यादा हो गई है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया देर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। क्या हुआ है इस टाइप ऑफ एनीमिया के अंदर, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन ड्यू टू लो डाइटरी इनटेक कम हुआ है, ड्यू टू लैक ऑफ आयरन कम हुआ है हमारे पास। ठीक है, सो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज लॉसेस। ठीक है, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं हम, कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं। सप्लाई ऑफ इनएडिक्वेट आयरन, अगर हमारी आयरन डाइटरी जो कॉन्स्टिट्यूट है वो कम ले रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारा आयरन स्टोर है वो भी कम हो जाएगा अंदर से। आयरन स्टोर कम हुआ तो ट्रांसफेरिन जो हमारा है यहाँ पे प्रोटीन सीरम ट्रांसफेरिन उसकी कंसेंट्रेशन कम हुई। ठीक है, उसका डिप्रेशन हुआ, एच बी कंसेंट्रेशन हमारी कम हुई, एच बी कंसेंट्रेशन कम हुई तो वहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ओरल आयरन थेरेपी। इन्फेंट के केस में जो ओरल आयरन थेरेपी है वो 3 mg/kg/day दे सकते हैं, अडल्ट के केस में 100 mg आयरन प्लस 500 mg फॉलिक एसिड। माइल्ड अनीमिया के अंदर हम वंस डेली देंगे और मॉडरेट या सीवियर अनीमिया के अंदर हम ट्वाइस डेली यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ साइन एंड सिम्टम्स है इसके,
क्या है, फैटिगनेस रहेगी उसको बहुत ज़्यादा पेशेंट को, वीकनेस प्रॉब्लम, डिस्पिनिया, ब्रेथिंग में प्रॉब्लम आएगी उसको, ठीक है, पाल्पिटेशन, डिजीनेस, वो थोड़ा थका थका रहेगा, ठीक है, चक्कर आएंगे उसको, वेट लॉस होगा उसका, डार्क सर्कल हो जाएगा आइज के अंडर, ठीक है, कन्फ्यूजन, उसको कन्फ्यूजन रहेगा बहुत सारा, ठीक है, शॉर्ट टंग रहेगी उसकी, मतलब पेल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस उसके क्या हो जाएंगे, मेमोरी फंक्शंस पुअर हो जाएंगे, ठीक है। हमने ट्रीटमेंट में भी पढ़ा है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, ओरल थेरेपी दे सकते हैं, हम ओरल डोज दे सकते हैं आयरन की, ओरल सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, एनोरेक्सिया जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी उसको, एनोरेक्सिया, क्या भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। डिस्पिनिया, डिस्पिनिया क्या होगी उसको, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, फैटिग, ग्रोथ रिटार्डेशन रहेगी, माउथ अल्सर हो सकती है, इंसोमिया हो सकता है उसको, इम्पेयर्ड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, जो साइन सिम्टम्स उसके क्या रहेंगे, इम्पेयर्ड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। अब क्या है, मैगेलोब्लास्टिक अनेमिया, जो मैगेलोब्लास्टिक अनेमिया है इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, परनीसियस अनेमिया, ठीक है, मैगेलोब्लास्टिक अनेमिया को परनीसियस अनेमिया भी बोलते हैं। किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हमारा मैगेलोब्लास्टिक अनेमिया होता है, ठीक है, कॉज बाय डिक्रीज विटामिन B12 डेफिशिएंसी इनटेक और डेफिशिएंसी इन इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है कि जो विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंट्रिंसिक फैक्टर, उसकी डेफिशिएंसी कहाँ पे होता है, इसका अब्जॉर्प्शन इलियम के अंदर होता है, ठीक है। तो बोथ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड आर नेसेसरी फॉर द RBC मैच्योरेशन, इन द डेफिशिएंसी ऑफ आइदर ऑफ देम, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ठीक है, मे लीड टू ई मैच्योरेशन ऑफ RBC। सो ई मैच्योर लार्ज साइज RBC आर लीज इन टू द सर्कुलेशन, ठीक है। लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इज कॉज बाय गैस्ट्रिक म्यूकेसल एट्रोफी ड्यू टू हेरिडिटी, प्रोलॉन्ग्ड आयरन डेफिशिएंसी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद ये इसके साइन सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट क्या क्या इन्वॉल्व करता है मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया के अंदर, ये इसके क्या है साइन सिम्टम्स है मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया के, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट है। इंट्रामस्कुलर हम इंजेक्शन दे सकते हैं, विटामिन B12 की ओरल डोजेस दे सकते हैं, मिथाइल कोबालामिन और हाइड्रोक्सी कोबालामिन। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड मतलब विटामिन B9 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो कि हमारा मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया हुआ है। क्या क्या इसके एटियोलॉजी फैक्टर है, या तो फॉलिक एसिड का हमने डाइट्री कंजप्शन कम हुआ है हमारा, अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, कैंसर है हमें, कैंसर डिजीज है, और ड्रग इंड्यूस सच एज बारबिट्यूरेट्स एंड सल्फामिथॉक्साजोल, ये ड्रग्स क्या करती है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी कॉज करती है, ठीक है। उसके बाद मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया के लिए जो हम डायग्नोसिस टेस्ट यूज करते हैं वो है स्काइलिंग, पॉजिटिव स्काइलिंग टेस्ट, ठीक है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी को चेक करता है। सिकल सेल अनीमिया, ये क्या है, थर्ड टाइप है हमारी हिमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर का। इसके अंदर क्या होता है सिकल सेल अनीमिया को, इसको हम सिंगल जीन डिसऑर्डर भी बोलते हैं, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिजीज है जो कि ब्लैक अमेरिकन्स में ज़्यादा होती है। इसके अंदर क्या होता है अबनॉर्मली शेप्ड RBC, जो हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जो हमारी नॉर्मल सेल है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, सिकल सेल शेप्ड RBCs के अंदर, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ऑर्डर इन विच नॉर्मल अडल्ट HbA इज पार्शली और कम्प्लीटली रिप्लेस बाय अबनॉर्मल सिकल हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये क्या है ऑटोसोमल रिसेसिव ऑर्डर है, डिसऑर्डर से। इसके अंदर देखो जो हमारा हीमोग्लोबिन है नॉर्मल, उसकी जो कैरिंग है ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी वो तो वैसे बहुत मतलब अच्छी होती है, इसमें परफेक्टली होती है, बट जब हमारी जो हीमोग्लोबिन सेल है RBC अब कन्वर्ट हो जाती है सिकल सेल के अंदर, ठीक है, उसकी शेप इरेगुलर हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा सिकलिंग होएगी। सिकलिंग क्या है RBC का, नॉर्मल RBC का कन्वर्टिंग इनटू द सिकल शेप, अलाउ इट टू एग्रीगेट विद अदर
HBS protein and form long polymer that destroy normal RBC. सिकलिंग की वजह से क्या होगा, ये अदर प्रोटीन के साथ एग्रीगेशन शो करेगी जिसकी वजह से लॉन्ग पॉलीमर बनेगा और नॉर्मल जो हमारी आरबीसी थी उसका लॉस होगा, जो आरबीसी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें क्रिसेंट शेप के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन वीक होगी इसकी, प्रीमेच्योर आरबीसी का पहले ही डिस्ट्रक्शन होगा। डिस्ट्रक्शन होने से जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो बाहर आएगा, ठीक है, अगर वो पहले ही डिस्ट्रक्ट होगी। जब इसकी रिसाइकिलिंग होगी हेपेटोग्लोबिन के थ्रू, तो ये क्या करेगी, अनकंजुगेटेड ब्लाइरुबिन शो करेगी। ये क्या, ब्लाइरुबिन हमारा एक प्रोटीन है जिसकी वजह से जॉन्डिस होगा, गॉलस्टोन्स प्रॉब्लम हो सकती है, अनीमिया होगा और रिडक्शन इन द आरबीसी, ठीक है। अब क्या है, साइन सिम्टम्स क्या है हमारे सिकल सेल अनीमिया की, अनीमिया होगा उसमें, क्रिसिस हैंड एंड फिट की स्वेलिंग होगी, पेनफुल, ग्रोथ कम हो जाएगी, विजन्स प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन पढ़ा है, हमने हीमेटोलॉजिकल डिजीज पढ़ी है कि आरबीसी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। हमने पढ़ लिया आयरन डेफिशिएंसी, मेगालोब्लास्टिक एंड सिकल सेल एनीमिया, तीन टाइप की हमने कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे थैलेसीमिया हेरिडिटरी एक्वायर्ड और हीमोफीलिया नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। होप सो आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आप इनकी PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करें। हाँ, और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, मैं आपको जो PDF प्रोवाइड कर रही थी पहले वो लेक्चर के अकॉर्डिंग चल रही थी, बट आपको यूनिट कंप्लीट होने के बाद ही अब पूरी PDF अपलोड होगी, ठीक है, एक पूरी यूनिट की। थैंक यू।